नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। उत्तर प्रदेश और जुर्म दोनों का पुराना रिश्ता है, चाहे वो कत्ल हो या फिर महिलाओं के खिलाफ जुर्म। कई मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से टॉप पर है। हाल ही में यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की बर्बरता से जिस तरह से एक तरह पुलिस हिरासत में हत्या हुई, उसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि इस प्रदेश के रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। मामला एक नहीं है, संख्या ज़्यादा में है। बहुत से मामले छुपा लिए जाते हैं तो कुछ यूपी पुलिसिया कार्यप्रणाली का सही चेहरा दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। गलत नहीं कहते हैं साहब, यूपी में आज कल ऐसा ही चल रहा है। 28 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना को छोड़ने अपनी एक्सयूवी से जा रहे थे। तभी रात को करीब 1:30 बजे बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें रुकने का इशारा किया था। जब वो नहीं रुके तो सिपाही प्रशांत चौधरी ने विवेक को निशाना बनाकर गोली चला दी थी, जिसमें विवेक की मौत हो गई थी, जिसमें एक आरोपी संदीप कुमार की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। दरअसल संदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को उकसाने का आरोप तो लगे थे, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले। मामला अभी भी चल रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की। होटल में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला था। जिस तरह से चेकिंग के नाम पर ही आतंक मचाया गया, क्या वैसा करने का पुलिस को अधिकार है? आखिर ऐसा कब होता है कि पुलिस किसी की भी जांच कर सकती है? दरअसल देश में जब कोई ऐतिहासिक दिन जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन होता है तो कुछ दिन पहले से ही औचक जांच की जाती है, या फिर एसएसपी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कभी भी किसी को इस तरह की चेकिंग का आदेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हर थाने की पुलिस को थाने की GDP यानी कि जनरल डायरी में छापेमारी की जानकारी लिखकर वहां चेकिंग करने जाना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो और अपने पुलिस वालों की गलती एसएसपी और डीएम साहब छुपाते दिखाई दिए और परिवार को केस न दर्ज करने की नसीहत तक दे डाली। आप खुद सुनिए। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। बात अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की करें तो इसमें भी सबूत मिल चुके हैं, मौत गिरने से नहीं बल्कि मारने से हुई है। घटना घटने के बाद और अधिकारियों के झूठ पकड़े जाने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और कानपुर पहुंचकर योगी ने मंच से किसी को न छोड़े जाने की बात कही। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी, और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, तब मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटी हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है, और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर
मृतक मनीष की पत्नी को नौकरी और हर संभव मदद मिलने का की सांत्वना भी दे दी। पर क्या योगी साहब मुआवजा दे देने से, सांत्वना दे देने से किसी निर्दोष को वापस लाया जा सकता है? आखिर कब दोषियों को सजा दी जाएगी? कब पुलिस विभाग में भक्षक बने दागियों पर एक्शन होगा जिससे ऐसी अप्रिय घटना घटे ही नहीं? आदेश तो इसका भी हो गया है कि अब ऐसे पुलिस वालों को छांटा जाएगा और उन्हें पुलिस विभाग से निकाला जाएगा। ये बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पुलिस कर्मियों पर FIR के निर्देश दिए हैं और उनको IPC के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो हम दिलाएंगे। मुकदमे की खुद हम लोग पैरवी करेंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और चाहे पुलिस हो या दूसरे लोग हों जो बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार जो भी मांग करेगा हम उसकी मांग को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये असीम पीड़ा है, मैं स्वयं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितनी पीड़ा मुझे हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस कर्मियों को जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून के रक्षक हैं, अगर वो लोग इस प्रकार की घटना करेंगे तो बहुत ही दुखद क्षण होगा हम सब के लिए। और मैं यही कह सकता हूँ कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा, हमने FIR के निर्देश दिए हैं सभी पुलिसकर्मियों पर, जो 6 पुलिस वाले वहाँ रात में गए थे, और FIR के बाद जो भी जांच आएगी और दोषी पाए जाने पर हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और कोर्ट में हम स्वयं इस मामले की पैरवी करेंगे और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे UP में अपराध पर लगाम लगेगा ये तो दिखता ही नहीं। गोरखपुर जिले में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना वहां पर ही सामने आई। जिस रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीटकर मार डाला, उसी थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित मॉडल शॉप कर्मचारी की बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बात अगर यूपी के पुलिस वालों के खिलाफ मामलों की करें तो अब तक 100 मामले दर्ज हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 की रिपोर्ट यूपी पुलिस के खिलाफ कुल 100 FIR दर्ज हुई हैं। इनमें 38 केस में चार्जशीट पेश की गई है जबकि सिर्फ 2 को सजा हुई है, वहीं एक आरोपी बरी हो गया है। यानी ये साफ है कि यूपी में पुलिस के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों में आधे से भी कम में चार्जशीट दाखिल हो पाती है। जाग जाइए योगी साहब, चुनाव नजदीक है, जनता को जवाब देना आता है। देखते रहिए न्यूज प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।